माई लवलीज, वेलकम टू रिचेज हैप्पी प्लेस। सो गाइज, आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने भैया का हाउस टूर, जो कि है हिमाचल में। भैया ने बहुत ही सुंदर घर यहाँ पर पहाड़ों पे बनाया है। डेफिनेटली आपको भी उस घर को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, घर के टूर को मैं करती हूँ शुरू। अभी तो मैं खड़ी हूँ रूफ टॉप में, मैं आपको नीचे लेकर जाती हूँ और मेन एंट्रेंस से इस घर के टूर की शुरुआत करती हूँ। सो ये है घर की एंट्रेंस। यहाँ पर है वायर मैश का डोर और यहाँ पर इन्होंने हाफ पोर्शन पे ग्लास भी लगाया हुआ है। कब वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल हाउस। जैसे ही आप घर के अंदर आते हो, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के लिए है ये स्टेयरकेस और यहाँ से राइट साइड पे है सबसे पहले पूजा का घर। यहाँ पर मैं स्लीपर्स ओपन करूंगी। ये है घर का मंदिर। अभी इन्होंने इस घर में रहना शुरू नहीं किया है और ये सेमी फर्निश्ड घर है। और यहाँ पर इन्होंने सिंक भी बनाया है ताकि जब आप पूजा करें या पूजा के जो भी हम बर्तन होते हैं वो धोते हैं सुबह सुबह उठकर, तो वो सारा यहीं पे इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। और खुला तो बिल्कुल है, चारों तरफ यहाँ पर खिड़कियां है, सॉरी चारों तरफ नहीं दोनों तरफ, ताकि नेचुरल लाइट घर पे पूरी अच्छी तरह आए। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से मंदिर से बाहर निकलते हैं, आगे चलकर है यहाँ पर ड्रॉइंग रूम। काफी बड़ा ड्रॉइंग रूम है, आप देख सकते हो बड़ी सी विंडो यहाँ पर है। और ये है यहाँ का ड्रॉइंग रूम, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, काउच रखा हुआ है। जैसे ही हम ड्रॉइंग रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज भी बनाई है स्टेयर केस के नीचे और यहाँ पर इन्होंने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने जैसे ही आप एंटर हो गए ड्रॉइंग रूम के सामने इतना बड़ा मिरर लगाया है ताकि कोई भी आए पहले अपने आप को यहाँ पर निहार करके आगे जाए। और यहाँ पर है बहुत बड़ा हॉल। ये जितना बड़ा हॉल है, यूजली हिमाचल में जो भी हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होती है, वो हमारे घरों में भी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उस चीज को ध्यान रखकर यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल इन्होंने बनाया है ताकि सारे गेस्ट हमारे अंदर ही एकोमोडेट हो जाए। यहाँ पर एक डोर है जो कि मैं आपको नेक्स्ट रूम से दिखाऊंगी। इसके बाहर इन्होंने किचन गार्डन बनाया हुआ है। अगेन यहाँ पर भी बहुत बड़ी विंडो इन्होंने लगाई है। अब इस हॉल के साथ में यहाँ पर है टू बेडरूम्स। फर्स्ट बेडरूम है ये वाला, तो ये है यहाँ का फर्स्ट बेडरूम। तो बेडरूम में ही ऑलरेडी इन्होंने बेड अंदर ही बनवाए हैं और ये है यहाँ के वार्डरोब्स। यहाँ पर अगेन बहुत बड़ी सी विंडो है। अभी बहुत तेज धूप आ रही है तो ब्लाइंड्स मैंने हाफ डाउन ऑलरेडी ही करके रखे हैं, बहुत ज्यादा लाइट आती है। और ये है एक डोर जो कि आपको लेके जाएगा, आप बालकनी बोल लो या आप सिटिंग एरिया बोल लो, जैसे ही बाहर निकलोगे तो ये है यहाँ की एक बालकनी जो कि दोनों रूम से कनेक्टेड है। और यहाँ पर है ये किचन गार्डन जो कि अभी अच्छे से बनाया नहीं है बिकॉज अभी यहाँ पर रहते नहीं है, बट दूसरी साइड कुछ कुछ भाभी ने लगाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक रोज लगा हुआ है, सुंदर सा प्यारा सा रोज यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से भी ये एल शेप में है ये किचन गार्डन, आगे तो काफी बड़ा है। बेसिकली ये डोर है जो हॉल से मैंने आपको दिखाया था जो ये किचन गार्डन को कनेक्ट करता है। अब वापस अंदर चलते हैं इस रूम के साथ। ये जो बड़ा सा हॉल है उसके साथ कनेक्टेड ये वॉशरूम है जो कि अभी लॉक्ड है तो मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊंगी। इस रूम के बिल्कुल ऑपोजिट एक और रूम है, वो है ये। और ये है यहाँ का वॉशरूम।
अगेन इस रूम में भी बहुत बड़ी विंडो है, वार्डरोब्स बने हैं, बेड और वार्डरोब्स का ऑलमोस्ट डिजाइन सारा सेम ही है। यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग इन्होंने करवाई है, आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्स में भी हाफ इन्होंने वुडन टाइल्स लगवाई है। थोड़ा सा यू नो सीपेज की टेंशन रहती है, वो ना हो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी की वुडन की टाइल्स लगवाई है। ये है डोर जो कि जाता है बालकनी के लिए। बालकनी यूजली बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी होती है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। ये दोनों रूम के साथ यू नो एक कॉमन बालकनी है। अगेन यहाँ पर किचन गार्डन है, तो यहाँ पर अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो तो है सिर्फ गेंदे के फूल जो कि अभी लगे नहीं है। तो फिलहाल इन्होंने अपना गार्डन अच्छे से अभी बनाया नहीं है। और आप देख सकते हो अभी सनसेट भी होने वाला है। आपको मैं वो फर्स्ट फ्लोर से दिखाऊंगी कितना सुंदर व्यू ऊपर से नजर आता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और चलते हैं आगे, मैं किचन दिखाती हूँ आपको। सामने इन्होंने वॉश बेसिन बनाया है ताकि जब भी कोई गेस्ट आए तो वॉशरूम में न जाके सीधा डायरेक्टली यहीं पे अपने हैंड वॉश कर ले। ये वाला एरिया डाइनिंग एरिया है, तो जब भी ये रहना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर डाइनिंग टेबल आएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये है यहाँ का किचन। अभी हाल ही में मेरी बुआ ने यहाँ पर हाउस वार्मिंग का फंक्शन करवाया था, तो आपने आई थिंक मेरा अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैंने वो ब्लॉग भी डाला था कि मैं अपनी बुआ के घर फंक्शन में आई हूँ, उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी में आई हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान अभी इन्होंने रखा हुआ है। ये है यहाँ का यू नो जो हमारे हिमाचल में ट्रेडिशनल चूल्हा होता है वो है, तो इसके बिना तो यहाँ पर गुजारा नहीं होता है बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड होती है। और ये है इसकी चिमनी जो कि यू नो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि धुआं जो है घर के अंदर ना फैले। और किचन में ह्यूज ह्यूज स्टोरेज यहाँ पर इन्होंने दी है। किचन काफी बड़ा है आप देख सकते हो। सो जैसे आप किचन से निकलते हो और यहाँ पर एक और रूम है, और रूम के साथ में ही यहाँ पर है अटैच वॉशरूम। अगेन वार्डरोब और बेड्स यहाँ पे सेम ही बने हैं। बहुत सारी विंडोज है ताकि सारी नेचुरल लाइट घर के अंदर आती रहे और आपका लाइट का खर्चा भी बच जाए। मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर अगेन वुडन स्टेयर्स है और वहां पर ये जैसे ही हम ऊपर आते हैं जैसा हॉल ग्राउंड फ्लोर पे है वैसा ही यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत बड़ा सा खुला सा हॉल यहाँ पर इन्होंने बनवाया है। और इसका बेस्ट पार्ट ये वाला, आपको यहाँ से बहुत सुंदर अच्छा सा व्यू नजर आता है। ऊपर है बंदला और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। इस हॉल के साथ में ही है यहाँ पर एक बालकनी। और यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छे से टाइल्स लगवाई है वॉल पर। सामने है हमारा हाईवे, दिल्ली मनाली हाईवे। मैं दिखाती हूँ। सो स्टेयरकेस से हम आए थे, बालकनी आपको मैंने दिखा दी, ये है यहाँ का बहुत बड़ा हॉल। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम्स। तो ये है बेडरूम, से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वॉशरूम। ऑलरेडी इसका दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा क्यों ना यही दिखा दिया जाए। ये एक कॉमन वॉशरूम है जो इस बेडरूम के साथ और हॉल के साथ कनेक्टेड है, ये कॉमन वॉशरूम है। और ये है यहाँ का
बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम मैं आपको दिखा रही हूँ। अब लाइट देख सकते हो कितनी ज्यादा अंदर आ रही है। सर्दियों में तो यू नो धूप बाहर ना भी जाओ अंदर ही सेक लो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है बाहर बहुत ठंडी हवा होती है तो अंदर ही बैठ के आप धूप का पूरा नजारा ले सकते हो, नहीं धूप सेक सकते हो, नजारा धूप का नजारा भी लिया जाता है, धूप सेक सकते हैं और व्यू का नजारा लिया जा सकता है जो कि आपको मैं सामने दिखाती हूँ। अभी सनसेट होने वाला है तो आप देख सकते हो यहां से एक बालकनी है जो कि मैं आपको दूसरे रूम से ही दिखाऊंगी, बिकॉज ये दोनों ही बालकनी जो है कॉमन है, कनेक्टेड है। तो अब साथ में है इसके इस रूम के बिल्कुल सामने है अनदर रूम, एकदम होटल वाली फीलिंग आ रही है। जैसे हम होटल्स के रूम में एंटर करते हैं ना, मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जब भी मैं भैया के घर पर आती हूँ। तो इन्होंने रहना शुरू नहीं किया है, बट जो यहाँ पर रूफ टॉप है हम उसको एंजॉय करने के लिए एटलीस्ट कुछ देर के लिए इस घर पर जरूर आते हैं। तो अगेन ये है यहाँ का रूम जो कि इसका लेआउट भी सेम ही है और यहाँ पे वार्डरोब्स बने हुए हैं, बेड बने हुए हैं जो कि इन्होंने ऑलरेडी ही बनाकर रखे हुए हैं। ये है इस बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। अगेन इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये विंडो जो कि मुझे बहुत पसंद है, खुले खुले घर और जिसमें यू नो नेचुरल लाइट आए, रोशनी आए, मुझे वो घर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम के साथ अटैच बालकनी। सो ये है बालकनी जो कि दोनों रूम्स के साथ, इस रूम के साथ और इस रूम के साथ ये कॉमन बालकनी है और आप सामने का व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। सामने वो फोर लेन का मट्टी भरारी ब्रिज है। तो वो है सामने मट्टी भरारी ब्रिज, वहां से आप मनाली रोड के लिए डाइवर्ट हो जाओगे। बस यहाँ पर एक झूला लग जाए और एक कॉफी हाथ में हो, मजा ही आ जाए। तो अब मैं इस घर का सबसे यू नो जो मेरा फेवरेट पॉइंट है मैं वो अब आपको दिखाने वाली हूँ। कब किचन की चिमनी है वो इस बालकनी में यहाँ पर ऊपर निकली है। ये है यहाँ की बालकनी इस घर के, चाहे वो फ्रंट की बालकनी है या बैक साइड की बालकनी है, आपको सब तरफ से व्यू बहुत अच्छा नजर आएगा। एंड दिस हाउस इज यू नो थ्रू आउट सनी, आप पूरे दिन भर में यहाँ पर सन घर पर बैठ के ही अंदर रूम्स के अंदर बैठ के ही इंजॉय कर सकते हो। दिखाऊंगी इस घर का लास्ट रूम। ये है एक और रूम, और इसका अटैच वॉशरूम। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल रूफटॉप। सभी घरों में वाटर टैंक्स रूफ टॉप पर ही होते हैं तो यहाँ पर भी बड़े बड़े ये दो वाटर टैंक्स हैं। जन्नत। किस किस को यहाँ पर बैठ के कॉफी पीनी है, सुबह शाम इतना अच्छा होता है मैं बता नहीं सकती हूँ।
आप सामने यू नो अभी तो सनसेट हो रहा है तो बहुत सारी रेज यहाँ पर पड़ रही है तो यहाँ का व्यू अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अब मेरे बाल जैसे उड़ रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कितनी तेज हवा चली हुई है। और यहाँ से ऊपर सामने है बदला टॉप और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको हाउस टूर अच्छा लगा होगा, अगर आपको हाउस टूर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।